हार्ट अटैक डे बाय डे बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, खास तौर पे वैक्सीन लेने के बाद। आज से 4 साल पहले, हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि ये वैक्सीन जो कोविड वैक्सीन है ये बिल्कुल मत लगाइए, इससे आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि इस वक्त जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लगाया, जो कि अधिकतर लोगों ने लगाया है, उनके बॉडी में वो पॉइजन दौड़ रहा है जो कभी भी खून को क्लॉट करा सकता है, और क्लॉट करने से एक हाइपोक्सिक कंडीशन बनती है बॉडी के अंदर, हार्ट के सेल्स के अंदर। हाइपोक्सिक कंडीशन बनते ही पेन शुरू हो जाता है, और पेन शुरू हो जाता है, हार्ट के सेल मरने लगते हैं, एंड उसकी वजह से हार्ट अटैक कैन लीड टू डेथ। हार्ट अटैक के सिम्टम्स, जैसे मैंने बोला, पेन, आपके हार्ट के आसपास के एरिया में बहुत पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, या बहुत प्रेशर का फीलिंग होगा, बहुत ज़्यादा जकड़न लगेगी, या फिर बॉडी का पेन रेडिएट होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड, मोस्टली टुवर्ड्स द बैक एंड समटाइम टुवर्ड्स द राइट ऑल्सो। और इसके अलावा लाइट हेडेडनेस होना, या फेंट हो जाना, चक्कर आना, उल्टी आना, या बहुत पसीने आना, ये सारे सिम्टम भी साथ में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि जैसे मैंने बताया कि अभी ये बहुत कॉमन होते जा रहा है, ऐसे में देर आर 3 सिंपल स्टेप्स जो आप कर सकते हैं किसी विक्टिम के लिए, या भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो जाए तो अपने लिए भी कर सकते हैं। पहला स्टेप, द पॉस्चर, पॉस्चर इज मेडिसिन, पॉस्चर इज मेडिसिन, या प्रेशर इज मेडिसिन बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, जैसे ही पहला सिम्टम आता है, ऐसा आता है, तो अपने पॉस्चर को आपको बदलना है। इट इज कॉल्ड हार्ट सेफ पॉस्चर। मान लीजिए इफ आई एम द विक्टिम, तो मैं क्या करूंगा, नीचे बैठ जाऊंगा, जैसे मैं अभी नीचे बैठ गया, और बैठने के बाद कोई ऐसे दीवार का सहारा ले लिया, और ये मेरा एक हार्ट है, और आपको ये पता होना चाहिए ये जो काफ मसल, इसे बोलते हैं सेकेंड हार्ट, सेकेंड हार्ट, और दोनों हार्ट को जितना हो सके मैं प्रेशर करके आपस में जोड़ रहा हूँ, राइट, ऐसे करके मैं बैठ गया। इस पॉस्चर में ये जो सेकेंड हार्ट है और ये जो हमारा प्राइमरी हार्ट है, दोनों का डिस्टेंस इज वेरी वेरी क्लोज। तो इस पॉस्चर में जो हार्ट है वो मोस्ट सेफ पोजीशन पे आ जाता है। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। ऐसा कोई विक्टिम हो तो सबसे पहले विद इन अ सेकेंड उसको इस पॉस्चर में नीचे बिठा देना है। ऊपर बिठाना ठीक नहीं है, चेयर पे वगैरह, क्योंकि अगर बाई चांस इस हार्ट अटैक के चलते वो अगर बेहोश हो गया तो चेयर से लुढ़क के नीचे गिर सकता है। तो नीचे अगर ऑलरेडी है, और अगर बेहोश हो भी गया पेशेंट या वो विक्टिम, तो ज़्यादा फ्लोर पे ऑलरेडी है तो कोई चोट नहीं लगेगी। तो दिस बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप पे ऑनगोइंग हार्ट अटैक को उसी वक्त रोकने के लिए एक बहुत अच्छी दवा है, एंड दैट इज़ द जिंजर, यानी कि अदरक का टुकड़ा। कितना बड़ा अदरक का टुकड़ा, जितना बड़ा अदरक का टुकड़ा आप ये देख रहे हैं, इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा अगर मैं वेइंग मशीन से वे करता हूँ तो लगभग 20 ग्राम का है। तो 20 ग्राम का अदरक का टुकड़ा, इसके अंदर 20 ग्राम के अंदर जितना जिंजरोल, द एक्टिव जो इसमें कंपोनेंट है, एक्टिव एजेंट जो है, जो दवा के रूप में काम कर सकती है, इसके अंदर होती है वो जिंजरोल। तो जिंजरोल जितने मात्रा में चाहिए उतने मात्रा में बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए 20 ग्राम के करीब का अदरक, अदरक छीलने की आवश्यकता नहीं है, वो तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, उसके मुंह में डालना है, और वो होश में अगर है तभी आप डालें, और उसको सिर्फ ये बोलना है कि चबाना है, चबा के उसका जो जूस है उसको निगलने की ज़रूरत नहीं है, जूस टंग से नीचे सब लिंगुअली वो अपने आप ही बॉडी में फर्स्ट मेटाबॉलिज्म को बाईपास करके, लीवर को बाईपास करके सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ताकि वो इमीडिएट इफेक्ट आए। इफेक्ट क्या है ये जो अब अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जिंजरोल का एक बहुत अच्छा इफेक्ट है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि हमारे ब्लड वेसल में ही बनती है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है आपके बॉडी अपने हेल्थ में। नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसे मेडिकल कंडीशन में फ्री रेडिकल के साथ वो रिएक्ट करता है, एक हार्मफुल स्पीसीज बनाता है जिससे हार्ट अटैक कैन कन्वर्ट इनटू डेथ। तो उस चीज़ को इनहिबिट करने का काम करती है जिंजरोल, जो कि एक लाइव जिंजर में आपको आराम से मिल जाता है। तो ये तो हो गया सेकेंड स्टेप। लेकिन एक सिचुएशन ये आ सकती है जब वो पेशेंट बेहोश ही हो गया है, वो कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस नहीं है तो वो चबा नहीं सकता है। तो ऐसे में ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, ऑल्टरनेट हो सकता है रेड चिल्ली ऑयल। इसीलिए मैंने रैपिड एक्शन किट में रेड चिल्ली ऑयल का भी बंदोबस्त किया है। इसमें 1 ml रेड चिल्ली ऑयल लेके, या उससे भी कम की जरूरत पड़ेगी, आधे ml से भी काम चल सकता है, लेके सब लिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जीभ के नीचे ड्रॉपर से डालना है, वही आइडिया की, ताकि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करके सीधे ब्लड में वो पहुंचे। और आपको समझना होगा, ये सारे रिसर्च पेपर है जिसको आप बाद में रेफर भी कर सकते हैं, कि कैप्सियाचिन एक तरह का एक्टिव एजेंट है जो कि रेड चिली में पाया जाता है, और ये एक्टिव एजेंट जो कार्डियक सेंसरी नर्व है उसको स्टिमुलेट करते हैं, और साथ ही में
एक पर्टिकुलर सब्सटेंस बॉडी को मजबूर करते हैं बनाने के लिए, उसको इन्हांस करते हैं, दैट इज कॉल्ड SP, सब्सटेंस पी के नाम से, जिससे ऑनगोइंग हार्ट अटैक के हॉल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, बल्कि जो डैमेज हुआ है उसके रिवर्सल के चांसेस भी बन जाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर, इसे पढ़िए आपको समझ आ जाएगा कि रेड चिली एक फूड तो है लेकिन ये फूड एज मेडिसिन है, अदरक एक फूड तो है लेकिन फूड एज मेडिसिन है, वो एक पॉस्चर है लेकिन उस पॉस्चर में यू आर मेंटेनिंग अ सर्टेन प्रेशर बिटवीन द टू हार्ट, दैट मीन्स प्रेशर एज मेडिसिन। यानी कि ये फूड एज मेडिसिन एंड प्रेशर एज मेडिसिन को यूज करके आप एक ऑनगोइंग हार्ट पेशेंट को, हार्ट अटैक पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। तो ये दोनों स्टेप जब पूरे हो जाए, वाइल द पेशेंट इज ऑलरेडी इन दैट पॉस्चर, साथ में वो चबा रहा है अदरक, या आपने ऑलरेडी जीप के नीचे आपने एक या दो बूंद आपने रेड चिली ऑयल डाली दिया है, अगर वो बेहोश है, अब आता है अगला स्टेप, दैट इज द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। इस पूरे ट्रेनिंग में मैं 4 या 5 पॉइंट की बात करूंगा, इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। हालांकि 300-400 पॉइंट होते हैं एक्यूप्रेशर में, लेकिन वो सब की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन में जो क्लियरली काम करता है, जो एविडेंस बेस्ड है और मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से भी एविडेंस बेस्ड है, उसी की बात कर रहे हैं। उसमें ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना है। इस पॉइंट को आप स्क्रीन पे देखिए किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे स्टिमुलेट करना है, अपने ही हाथ से खुद के भी कर सकते हैं, किसी और के भी कर सकते हैं, तो ये अंगूठा का इस्तेमाल किया और दिस इज़ हाउ आई एम स्टिमुलेटिंग। 2 से 3 मिनट तक 2 kg, 1.5 से 2 kg का प्रेशर। आपको ऑलरेडी बताया कि कैसे पता चलेगा कितना 2 kg का प्रेशर होता है, उसके लिए ये जो वेइंग मशीन है इसका इस्तेमाल करना है, एक बार टेस्ट करने के लिए हाउ मच इज 2 kg प्रेशर। अगर मुझे ये देखना है कि 2 kg का प्रेशर कितना है होता है, तो मैं इसको तब तक दबाऊंगा जब तक कि यहाँ पे 2 kg ना दिख जाए। जब 2 kg दिख जाएगा तो इसका मतलब कि उतना लगभग प्रेशर मुझे डालना पड़ेगा इफेक्ट आने के लिए। और रोटेटिंग मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये वी विक्ट्री वी का साइन अप देख रहे हैं। इसमें ये जो हड्डी और ये एक ये बोन, इनके जो इंटरसेक्शन से ठीक थोड़ा ऊपर, दिस बिकम्स द राइट प्लेस। इसमें स्टिमुलेट करने के लिए रोटेटरी मोशन होगा, सर्कुलेटरी मोशन फॉर 2 to 3 मिनट्स विद द प्रेशर ऑफ अबाउट 2 kg। तो ये बारी बारी से दोनों हाथ में करना है, और ये दोनों हाथ में करने के बाद आपको एक और पॉइंट को दबाना है। पहले तो ये जो पॉइंट है इसे P6 पॉइंट बोलते हैं, लेकिन आप इसे रिस्ट बैंड से याद रखिए, रिस्ट बैंड, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक रिस्ट बैंड बनाना है। रिस्ट बैंड बनाने से पहले द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पॉइंट। वो पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वेरी सिंपल, आप मुझे देखिए। ये पहले तो मुट्ठी, आपको समझाने के लिए मुट्ठी मैंने कर लिया, तो 2 टेंडन आप दिख रहे हैं, 2 टेंडन क्लियरली दिख रहा है। तो आपको इस तरह से जहाँ पे ये पॉइंट आप दिख रहे हैं, राइट, वहाँ पे दोनों टेंडन के बीच वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट को आप P6 बोल सकते हैं, और उस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है 1.5 से 2 kg के प्रेशर पे, रोटेटिंग मूवमेंट में 2 से 3 मिनट एक हाथ में, फिर 2 से 3 मिनट एक हाथ में। यानी कि आपको विक्ट्री पॉइंट पे ट्रिगर करना है। ये वी को विक्ट्री पॉइंट से याद दिलाना चाहता हूँ, वी शेप बनता ना ये, तो विक्ट्री पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। तो इसमें 3 मिनट 3 मिनट फिर 3 मिनट 3 मिनट, यानी कि ये हो गए करीब 6 और 6 12 मिनट। तो 12 मिनट का आपका ये इंटरवेंशन हो गया। ये इंटरवेंशन करने के बाद आपको दोबारा से अब इस्तेमाल करना है रैपिड एक्शन किट बॉक्स का। अब देखिए, अब देख रहे हैं रैपिड एक्शन किट बॉक्स से आपने मेथी के दाने लिए, और मेथी के दाने लेके और आपने पेपर टेप लिया, या पेपर टेप से मेथी के दाने से आपने एक रिस्ट बैंड बनाया। ये रिस्ट बैंड उस पेशेंट के दोनों हाथ में लगा रहेगा, और साथ में ही आपने विक्ट्री वाले साइन में जिस पॉइंट को ट्रिगर करना है, जिस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है, वहाँ पे भी आपने यूज़ किया पेपर टेप को विद अ मेथी दाना, और उस पेशेंट को बोल देना है कि हर 3 घंटे के बाद खुद ही इस तरह से स्टिमुलेट करे जिस तरह से आपने एक बार करके दिया। वो पेशेंट खुद भी कर सकता है, या उस पेशेंट के जो साथ में जो लोग हैं उनमें से कोई कर सकते हैं, ताकि जो हार्ट अटैक आया, उसका जो साइड इफेक्ट हुआ, उससे जो उसको नॉजेटिक फीलिंग आ रही है, अभी पेन पूरी तरह से गया नहीं है, तो वो सब भी ठीक हो जाए। मेनली जब आप ये दोनों पॉइंट्स को
स्टिमुलेट करेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टिमुलेट करने के विद इन 10 मिनट्स के अंदर बीपी इससे लोअर होता है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, ये ट्रायल के नतीजे आप देख सकते हैं, दो ट्रायल मैंने आपको यहाँ पे रेफरेंस के लिए दिया है। तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, हार्ट रेट ड्रॉप होता है एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ता है। याद रखिए कि वो एक हाइपोक्सिक यानी कि लो ऑक्सीजन का सिचुएशन है जिससे हार्ट अटैक आता है, और इससे ठीक उसका रिवर्स यानी कि ऑक्सीजन सेचुएशन बढ़ाता है। तो ऑक्सीजन सेचुएशन बढ़ा दिया, हार्ट रेट को गिरा दिया, इस दोनों के चलते पेशेंट को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। तो पेशेंट को रिलीफ, साथ में इस पॉइंट से कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हॉर्मोन्स भी बॉडी से रिलीज होता है, अधिक मात्रा में एंडोर्फिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, जिससे पेशेंट का जो एक ट्रॉमा गया है उस ट्रॉमा से रिकवर करने में पेशेंट को बहुत ही आराम मिलती है। और ये करेंगे और हर दो तीन घंटे में करते रहेंगे फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, इससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट हार्ट अटैक। तो ये तीन स्टेप हैं, ये तीनों स्टेप से आप किसी को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं या ऑनगोइंग हार्ट को हॉल्ट कर सकते हैं, और हॉल्ट करने के बाद जो रेसिडुअल सिम्टम रह जाते हैं उससे भी पेशेंट को रिकवर कराने में आप मदद कर सकते हैं।